कुछ और क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि किस तरह के और क्वेश्चंस जो है पूछे जाते हैं सीबीएसई में, और अगर आपके कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर है तो कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। एक और टाइप का क्वेश्चन बहुत पॉपुलर है और अधिकतर आता रहता है बोर्ड में, ये एनसीईआरटी का 6.10 क्वेश्चन नंबर है, वो एरोप्लेन वाला क्वेश्चन है, उसको देख लेते हैं, बहुत बड़ा सा क्वेश्चन है। अ जेट प्लेन इज ट्रैवलिंग टुवर्ड्स वेस्ट, अब सोचिए आप जेट प्लेन है आपके पास और वेस्ट की तरफ जा रही है, तो आप वेस्ट जानते हैं किधर है, वेस्ट इधर है यानी इस डायरेक्शन में आपकी एरोप्लेन जा रही है, और ये एरोप्लेन की पंखे हैं, इसकी स्पैन देखिए क्या है, परपेंडिकुलर है, यानी यहाँ अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का कौन सा हिस्सा हम लेंगे, परपेंडिकुलर, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अर्थ का हुआ और ये अर्थ का वर्टिकल कंपोनेंट, यानी ये प्लेन वेस्ट में जा रहा है और यहाँ मैग्नेटिक फील्ड हम वर्टिकल लेंगे क्योंकि वी हैव टू कैलकुलेट द ईएमएफ डेवलप इन द स्पैन ऑफ इट्स विंग। तो चलिए देखते हैं क्या वेरिएबल्स हमारे पास मौजूद हैं। सबसे पहले न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय आपको लिखना चाहिए कि कौन कौन से वेरिएबल आपके पास हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो आपके पास एक वेरिएबल ऐसा होगा जो आपको फाइंड आउट करना होगा, बाकी वेरिएबल्स दिए होंगे और उन दिए गए वेरिएबल्स को देख के अननोन वेरिएबल के साथ एक रिलेशन आप डेवलप कर लेंगे। तो देखिए यहां पे दिया हुआ है कि अजेट प्लेन इज ट्रैवलिंग टुवर्ड्स वेस्ट एट अ स्पीड ऑफ 1800 किलोमीटर पर आवर, तो इसकी वेलोसिटी दी हुई है कितनी, 1800 किलोमीटर पर आवर, पहले मीटर पर सेकंड में बदल लेंगे, 5 बाय 18 से इसको डिवाइड कर लीजिए और ये हो गया 500 मीटर पर सेकेंड। तो ये इसकी स्पीड है, स्पीड देखते ही आप समझ जाइए ये यात्री विमान तो होगा नहीं, ये जाहिर सी बात है फाइटर प्लेन होगा, तो ये हमारा फाइटर प्लेन है। व्हाट इज द वोल्टेज डिफरेंस डेवलप बिटवीन द एंड ऑफ द विंग, जैसा कि मैंने कहा था आपको ईएमएफ निकालना है कि प्लेन का जो विंग है उसके इन विंग के स्पैंस पे ईएमएफ कितना डेवलप होगा, क्योंकि आप जानते हो कि एरोप्लेन जो है वो कहाँ उड़ रही है, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड में, और अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड में कौन सा मैग्नेटिक फील्ड जो है इस पे अप्लाई होगा, कौन सा फील्ड अप्लाई होगा, ये वाला फील्ड यानी वर्टिकल वाला फील्ड अप्लाई होगा। तो चलिए आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है, अब ये बता रहा है कि विंग का जो स्पैन है उसकी लेंथ कितनी है, यानी इस विंग से लेके इस विंग तक, जहाज के इस विंग से लेके इस विंग तक की लेंथ कितनी दी हुई है, वो लेंथ दी हुई है 25 मीटर। अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड एट द लोकेशन हैज मैग्नीट्यूड ऑफ 5×10⁻⁴ टेस्ला, यानी यहां आपको टोटल मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है 5×10⁻⁴ टेस्ला, और आप जानते हो हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए वर्टिकल कंपोनेंट, क्योंकि यहां ये जो आपका विंग है वो किस मैग्नेटिक फील्ड में है, वर्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में आपके है, तो BB इज इक्वल टू, आप पहले ही पढ़ चुके हो कि इट इज इक्वल टू बी साइन डेल्टा, हेयर डेल्टा इज गिवन 30 डिग्री, एंगल ऑफ व्यू इज गिवन 30 डिग्री, सो इट विल बिकम व्हाट 5×10⁻⁴ एंड साइन 30 इज 1/2, सो इट विल बिकम 5/2×10⁻⁴ व्हाट टेस्ला। तो साहब अब हमारे पास रिलेशन तो ईएमएफ वाला है, आप जानते हो ईएमएफ मोशनल ईएमएफ के लिए ईएमएफ इज इक्वल टू बी एल बी साइन थीटा है,
बन हो जाए तो sin 90 दैट इज इक्वल टू 1. तो सॉल्व करके देखते हैं, इट कम्स टू 250. अब ये कितना हो जाएगा, आई थिंक दिस मच 3.125 वो सॉल्व करके आप देख लीजिए कितना आ जाएगा. यस 3.125 वो. तो इतना ही ईएमएफ जो है कहां डेवलप हो जाएगा, इस विंग के किनारे. ये बहुत इंपैक्ट क्वेश्चन है सीबीएसई का. इस तरह के और भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे, तो इसे बड़े अच्छे ढंग से आप समझिएगा. एक प्लेन है, कहां जा रही है, वेस्ट में जा रही है. वेस्ट में जा रही है तो ऐसी बात है उसके विंग्स जो होंगे वो क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे. आपका ये अर्थ, ये अर्थ का फील्ड है, ये क्या है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये है वर्टिकल कंपोनेंट. तो विंग जो है वो कहां है, इसके पैरेलल है वर्टिकल कंपोनेंट. तो यहां हम वर्टिकल कंपोनेंट को मैग्नेटिक फील्ड लेंगे. अर्थ का जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड है उसमें से वर्टिकल कंपोनेंट को लेंगे. तो वर्टिकल कंपोनेंट आप जानते हो बी साइन डेल्टा. डेल्टा की वैल्यू दी है अंदर ऑफ 30 डिग्री, वो आप सॉल्व कर लीजिए. आपके पास रिलेशन है E is equal to BLV, यहाँ B जो है वर्टिकल कंपोनेंट लेना है, वैल्यू रखिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा. ये कई बार हर अल्टरनेट ईयर पे या 2-3 सालों के अंदर पे एनसीईआरटी का यही क्वेश्चन उठा के छाप होता है. तो ये भी एक पॉपुलर क्वेश्चन है. चलते हैं आगे. ओके, क्वेश्चन नंबर 6.5 देखते हैं. जब भी इस तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे बोर्ड में कई बार आया हुआ है. इट सेज दैट अ 1 मीटर लॉन्ग मेटालिक रॉड इज रोटेटेड विद एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ 400 रेडियन पर सेकंड. तो इस क्वेश्चन को ऐसे समझिए कि ये आपके पास एक रॉड है, ये रॉड है, वो आपने क्या किया इसको घुमाना शुरू कर दिया. सर्कुलर पाथ पे, तो इस सर्कुलर पाथ का जो रेडियस होगा वो रेडियस किसके बराबर होगा, लेंथ, लेंथ ऑफ द रॉड. तो हियर आर इज इक्वल टू एल इज इक्वल टू लेंथ ऑफ रॉड. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए. कभी कभी डिराइव करने के लिए आ जाता है डेरिवेशन के फॉर्म में, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईएमएफ induced between axis of any rod when it is axis of the rod and the ring when it is rotated in a magnetic field, normal magnetic field. तो कभी कभी ये आपको derivation के लिए भी आ जाएगा, वहाँ numerals की बजाय variables दिए होंगे. तो घबराने की जरूरत नहीं है, आप numerals के साथ numerical कर सकते हैं, तो variables के साथ आराम से derivation भी कर सकते हैं. बाकी कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए. चलिए क्वेश्चन देखते हैं. अ 1 मीटर लॉन्ग मेटालिक रॉड इज रोटेटेड, हियर द आर इज इक्वल टू एल इज इक्वल टू हाउ मच, 1 मीटर. इसकी लेंथ कितनी है, 1 मीटर. फिर ये कह रहा है कि इट इज रोटेटेड विद एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ 400
रेडियन पर सेकेंड। ये इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। अबाउट एन एक्सिस नॉर्मल टू द रॉड पासिंग थ्रू इट्स वन एंड, द अदर एंड ऑफ द रॉड इज इन द कॉन्टेक्ट विद सर्कुलर मेटालिक रिंग। तो वही अदर एंड जो है ना, ये इस तरह फिक्स फिक्स है। अ कॉन्स्टेंट एंड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.5 टेस्ला पैरेलल टू द रिंग। तो पैरेलल टू द रिंग का मतलब नॉर्मल, रिंग के पैरेलल है, इसके क्या हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। और यहां मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू है इट इज गिवन 1.5 टेस्ला। तो दीज आर द वेरिएबल्स वी हैव एंड व्हाट इट इज आस्किंग, इट इज आस्किंग कैलकुलेट द ईएमएफ डेवलप बिटवीन द सेंटर यानी हेयर एंड द रिंग हेयर वी हैव टू फाइंड। तो यू नो दैट व्हेन इट विल मूव, जब ये मूव करेगा तो यहां आपकी वेलोसिटी क्या होती है, मैक्सिमम। हेयर द वेलोसिटी विल बी मैक्सिमम। और किसी भी एक्सल पे लीनियर वेलोसिटी जो होगी वो क्या होगी, जीरो एंगुलर वेलोसिटी होगी। बट लीनियर वेलोसिटी जो होगी यहां पे क्या होगी, जीरो। तो सबसे पहले जब भी हमें हमें पता है कि ईएमएफ जो इंड्यूस होगा दैट इज इक्वल टू आर डीएलटी, लेकिन बात मामला यहां ये है कि वेलोसिटी इस कंडीशन में हर जगह सेम नहीं है। इस रॉड पे, रॉड पे दूर जाओगे आप तो वेलोसिटी ज्यादा मिलेगी, आप रॉड के नजदीक आओगे तो वेलोसिटी कम मिलेगी। तो इसलिए हम यहां एवरेज वेलोसिटी लेंगे। तो व्हाट विल बी द एवरेज वेलोसिटी, इट विल बी इनिशियल वेलोसिटी या वेलोसिटी एट द एक्सिस, एक्सिस वेलोसिटी एट रिंग अपॉन टू। वेलोसिटी ऑफ द एक्सिस जीरो है, वेलोसिटी ऑफ द रिंग वी मान लीजिए, इट इज वी बाई टू। एंड यू नो दैट वी इज इक्वल टू व्हाट, ओमेगा आर, ओमेगा आर, दिस इज ओमेगा आर राइट, दिस इज आवर एवरेज वेलोसिटी। अब बाकी वैल्यूज हमारे पास है और आपसे सॉल्व कर सकते हैं। तो दिस ईएमएफ ई विल बी इक्वल टू व्हाट, बी एल बी, B is already given 0.5, length is already given, what is length, length is 1 meter, it is given, and omega is given what, 400 radians per second, 400 radians per second, omega r, r kya hai, wahi length hai, yani 1 into 1 upon 2, so, and what is the velocity we have find, B and L is already given, velocity omega r by 2. इसे सॉल्व कर लेते हैं, ये कितना हो जाएगा, तो 100 EMF will become equal to 100. तो इस तरह के भी क्वेश्चंस आते हैं, इसे भी ध्यान दे लीजिए आप। अब ये तो कुछ एक टाइप के क्वेश्चंस हो गए, अब एक अगले दूसरे तरह के क्वेश्चंस के बारे में, एक क्वेश्चन के बारे में और देखते हैं और सीखते हैं। It is question number 6.8 of NCERT. क्या कह रहा है सुनिए। Current in a circuit falls from 5 ampere to 0 ampere in 0.1 second. अब ऐसे समझिए इसको, आप कमरे से बाहर निकलते हैं, परेशान हो चुके हैं, एक ही जगह पड़े
छत पे टहलने जाते हैं, और आपने क्या करा कि अपना CFL जो है वो बुझाया। CFL जैसे ही आप बुझाते हैं वहां क्या होगा, करंट आपका जो मैक्सिमम होगा 5 एम्पीयर की करंट CFL पे पहुंच रही थी वो घटते घटते जीरो हो गई, या हाँ जीरो हो गया, और 5 एम्पीयर से 0 एम्पीयर होने में कितना टाइम लगा, 0.1 सेकेंड, ऐसा केस है। तो यहां पे गिवन है कि I1 जब आपका बंद करने वाले यानी बंद करने से पहले आपका करंट जो CFL पे सप्लाई हो रही थी 45 एम्पीयर, अब आपने बुझा दिया, करंट घटके कितनी हो गए, 0 एम्पीयर हो गए। कितना टाइम लगा आपको, ये स्मॉल टाइम टाइम जो है वो कितने का है, 0.1 सेकेंड का है। अब सवाल ये है कि इफ एन एवरेज EMF ऑफ 200 वोल्ट इंड्यूस, अब आप तो जानते ही हैं कि अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट है तो इंड्यूस करंट भी प्रोड्यूस, इंड्यूस EMF भी प्रोड्यूस होगा, वो इंड्यूस EMF आपका प्रोड्यूस हो रहा है कितना, 200 वोल्ट का इंड्यूस EMF प्रोड्यूस हो रहा है। सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि साहब आप ये बताइए कि सर्किट में सेल्फ इंडक्टेंस कितना है, वेट का सेल्फ इंडक्टेंस कितना है, तो कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस हमें फाइंड करना है। अब आप बताइए इन सारे वेरिएबल्स को लेके क्या आपके पास कोई रिलेशन है, याद आ रहा है, मुझे तो याद आ रहा है, वो है E इज इक्वल टू माइनस एल डी आई बाय डीटी। व्हाट दिस नेगेटिव साइन शोस, पहले भी बताया था दिस नेगेटिव साइन शोस दैट द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ विल बी अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। तो बहरहाल हम केवल न्यूमेरिकल लेते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू लेते हैं और साइन छोड़ देते हैं, तो ईएमएफ की आपके पास है 200 वोल्ट, एल आपको फाइंड करना है, डी आई का मतलब हो गया I2 माइनस I1, I2 माइनस I1 ये मॉड में आप करके I2 की वैल्यू यहां दी है 0 एंड दिस इज योर I1 5 एम्पीयर, और कितने टाइम में ऐसा हो रहा है, dt की वैल्यू कितनी है 0.1। चलिए तो दिस इज योर 200 एंड दिस इज L, ये माइनस 5 है, मॉड से हमें मतलब है, तो ये हो गया 5 एंड दिस इज योर 0.1। 0.1 इधर जाएगा, मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा 20 L इनटू 5, L इज इक्वल टू कितना होगा 4। अब आप बता सकते हैं कि इंडक्टेंस या कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस की यूनिट क्या होती है, याद है मैंने बताया था आपको वेबर पर एम्पियर स्क्वायर, जिसको हम क्या बोलते हैं, फैराडे का समकालीन वो कौन था जो इंडक्शन पे काम कर रहा था लेकिन अमेरिकन था, हेनरी साहब, तो हेनरी 4 हेनरी इसका सेल्फ इंडक्टेंस हो जाएगा। ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे और ऐसे क्वेश्चन जब भी आएंगे ये कुछ ले के फॉर्म में आएगा, आपसे डेफिनेशन या डेरिवेशन पूछा जाएगा, साथ में एक नंबर का ये न्यूमेरिकल भी होगा। तो इस तरह के भी न्यूमेरिकल्स आते हैं, ये भी एक टाइप मैंने आपको बता दिया, प्लेन वाला टाइप बता दिया। एक न्यूमेरिकल और हम करते हैं, डेरिवेशन जाते हैं उसे डेरिवेशन के तौर पर ही आप याद रखेंगे, पॉइंट एनर्जी एसोसिएटेड या एनर्जी स्टोर इन एनी इंडक्टर, आप वायरिंग कह सकते हो आप। तो चलिए फाइंड करते हैं, ये दिस इज अ कॉइल,
you have to do some extra work, and that work or that energy will be provided by the supply, and that supply will be what? That supply will be battery or any other source of electrical energy. तो ये जो इंडक्टर है आपका, ये जो कॉइल है, इसमें एनर्जी कितनी स्टोर हुई इसे हमें फाइंड करना है. तो हमें पता है कि इंड्यूस ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस्ड इन द कॉइल is equal to what? Minus L di by dt. Why flowing with the line? Why flowing current? कितनी current flow करा रहा आप I? तो ये जो coil है उसमें आपने क्या करा? कि आई करंट फ्लो कराने की कोशिश की, और आप जानते हो कि यहाँ इलेक्ट्रिकल फ्रिक्शन चालू है. जैसे ही आपने कदम बढ़ाना शुरू किया करंट के रूप में, वैसे यहाँ पे इलेक्ट्रिकल फ्रिक्शन यानी इंडक्शन शुरू हो जाएगा. वो इस करंट को आगे नहीं बढ़ने देगा, क्यों नहीं बढ़ने देगा? क्योंकि इसके ठीक अपोजिट डायरेक्शन में इतना ही एनर्जी जनरेट करेगा. अब यदि आप इस करंट को आगे बढ़ाना चाहते हैं और कॉइल में लगे हुए अपने पंखे को चलाना चाहते हैं या बल्ब को चलाना चाहते हैं, तो कम से कम आपको इतना ईएमएफ, कम से कम इतना ईएमएफ आपको सप्लाई करना पड़ेगा लगातार, तभी आपका ये करंट बहेगा, नहीं तो कॉइल में करंट नहीं जाएगा. यानी टू मेंटेन फ्लो एट लीस्ट ईज ऑफ सप्लाई, और किसके किसके अपोजिट, यानी अप्लाइड जो ईएमएफ होगा, अप्लाइड ईएमएफ जो होगा वो कितना होना चाहिए? माइनस ई के बराबर होना चाहिए, यानी कितना होना चाहिए? एल डी आई बाई डी टी होना चाहिए. इस मच की एमएफ आपको सप्लाई देना होगा, तब जाके आपके आपका करंट फ्लो होना शुरू होगा. अब जो वर्क हम कर रहे हैं अगेंस्ट दिस इंड्यूस ईएमएफ, इट इज स्टोर्ड इन द इंडक्टर इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी. तो work done against induced EMF store in energy, energy के form में ये store हो जाएगा. चलिए देखते हैं. एनर्जी इज इक्वल टू, आप पहले ही जानते हैं, वी आई टी. तो स्मॉल अमाउंट में अगर हमने इसकी एनर्जी को बढ़ाना है, तो एनर्जी स्मॉल एनर्जी है बी ई, बी इज स्मॉल एनर्जी, देन वी नो दैट ई या बी ई इज इक्वल टू व्हाट? वी आई टी. यहां भी कौन होगा? ई आई एंड दिस इज डी टी, ई आई डी टी. ई जो है वो पहले ही हमने यहां अप्लाई किया है, ले रखा है. तो दिस इज व्हाट? ई इज इक्वल टू एल डी आई वाई डी टी ई, and this is your I and this is dt. Dt and dt gets cancelled. Now we left with small energy d
equal to, that is equal to L I B L. Now this is the very small energy. This is the very small energy, and if we want to find the total energy, we have to integrate this total energy with the help of total supply of current. तो हमारा current कहाँ से कहाँ तक grow होगा? Zero से लेके maximum I naught तक. तो वहाँ तक हम इसे integrate करेंगे और total energy निकालेंगे inductor में ना store होगा. चलिए इसे calculate करके देख लेते हैं. एक किताब पकड़िए,